study with me, a learning experience. Students, इस question में हमारे पास two unequal मगर intersecting circles हैं. ये circle A देख सकते हैं और circle B. ये आपस में intersect कर रहे हैं. Line segment हम draw कर लेंगे A से B तक. आप देख लें कि ये सर्कल ए का रेडियस है आर और सर्कल बी का रेडियस है आर वन. आर वन छोटा है आर से. अब हमने एक थर्ड सर्कल ड्रॉ करना है आर माइनस आर वन रेडियस जितना. ये हम लोग मैयर कर लेंगे और एक अनवांटेड सर्कल ड्रॉ कर लेंगे. अनवांटेड सर्कल जब भी हम ड्रॉ करेंगे वो डॉटेड से ड्रॉ करेंगे, और ये इसलिए ताकि आखिर में हमें ये ऐसा ना हो, गलती हो जाए और याद ना रहे कि किस सर्कल से टेंजेंट ड्रॉ करना है. अब नेक्स्ट टैग हमारा है कि हम लोगों ने ए बी सेगमेंट को बाइसेक्ट करना है. बी पॉइंट के ऊपर कंपास रखो, एक ऊपर और एक नीचे आर्क ड्रॉ की, फिर पॉइंट ए के ऊपर कंपास रखे, एक आर्क ऊपर और एक नीचे ड्रॉ कर ली. जहाँ ये दोनों आर्क्स मिल रही हैं उन दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर लिया, तो ये हमारे पास मिड पॉइंट एम आ गया ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी. अब हम लोगों ने कंपास इतना ओपन करना है कि रेडियस ऑफ एन अदर सर्कल बने हमारा एम बी या एम ए जितना, और इस तरह से हम लोगों ने एक और अनवांटेड सर्कल ड्रॉ कर लेना है डॉटेड से, जो कि हमारे पिछले अनवांटेड सर्कल को मीट कर रहा है पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पे. हम लोगों ने वहाँ पॉइंट ए से पी को मिलाते हुए अपने मेन सर्कल के एंड पॉइंट तक ले जाना है पॉइंट डी. ये हमारे पास एक टेंजेंट पॉइंट आ गया. इसी तरह हम लोगों ने पॉइंट ए को क्यू से मिलाते हुए इस सर्कल के लोअर पोर्शन पे पॉइंट सी तक ले जाना है. ये हमारे पास एक दूसरा टेंजेंट पॉइंट आ गया. इसी तरह हम लोगों ने राइट वाले सर्कल के ऊपर भी अभी दो टेंजेंट ढूंढने हैं. उसका क्या प्रोसीजर है? उसका प्रोसीजर वही है जो आप 13.35A में देख चुके हैं. मैंने तीन डिफरेंट तरीकों से सिखाया था, जिसमें प्रोटेक्टर वाला तरीका था, कंपास वाला तरीका था और सेट स्क्वायर वाला. यहाँ मैं आपको सेट स्क्वायर वाला हल्का सा दिखा देता हूँ कि यूं करके सेट स्क्वायर रखेंगे और सेट स्क्वायर को रूलर के ऊपर स्लाइड करके ले जाएंगे. जब ये इधर आ जाएगा तो बी से हम लोग ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि आपको एन पॉइंट और टी पॉइंट दे देगा. टी पॉइंट हमारा थर्ड टेंजेंट पॉइंट आ गया. इसी तरह हम लोगों ने नीचे की तरफ भी वही प्रोसेस करना होगा. ऊपर आप देख सकते हैं कि मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया है टी डी. नीचे की तरफ भी वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे और टी प्राइम आपके पास एक और टेंजेंट आ गया, और ये टेंजेंट लाइन हमने ड्रॉ कर दी टी प्राइम सी तक, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अगर आप चाहते हैं कि आपके टीचर इस तरह की कोई वीडियोज़ बनाते रहें तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा आपको ये वीडियोज़ कैसी लग रही हैं और मज़ीद किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोज़ बना कर दीजिए.